वंदे मातरम प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों, शंकरा डिफेंस अकेडमी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज बात करांगे भाई यहाँ पे हरियाणा पुलिस के रिजल्ट को लेके, कितने बच्चे पास हो सकते हैं, कितने एग्जाम में बैठेंगे और एग्जाम कब का है, एग्जाम एक शिफ्ट में होगा दो शिफ्ट में। भाई वीडियो को लास्ट तक देखना और जो भाई नया जुड़ा है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लियो। तो एक तो बात बता दूं, मैं पहले जो बच्चे रुके थे वो भाई सेफ को नहीं, रनिंग करते हुए जो बच्चा रुका था वो सेफ को नहीं, रुक रुक के भाजे थे वो भी सेफ को नहीं, क्योंकि आप सभी को पता है अगर बच्चा दौड़ता दौड़ता रुक गया अटके ना तो रिदम बढ़ता ना हो टेम आओ। इसीलिए लड़कियों की एक और लिस्ट लगी है, आज उनका डॉक्यूमेंट्स है और कल उनका फिजिकल है, और बॉयज का लगभग 50,000 बॉयज थे और 11,000 लड़कियां होगी, बॉयज की वैकेंसी 5,000 और गर्ल्स की 1,000। तो अभी बता रहे कि 4 गुना बच्चे बैठेंगे एग्जाम के अंदर, 20 का एग्जाम है सभी को पता चल गया है, शिफ्ट अभी कन्फर्म नहीं हुई है, 1 में कराऊंगे 2 में कराऊंगे, बाकी किसी भाई को अगर शिफ्ट का मैसेज आता है या कोई और कोई आ जाए तो कमेंट में जरूर लिख दियो, ताकि जो भाई वीडियो देख रहा हो या देखने बाद में देखे तो उसको पता लग जाए। जैसे आज एक पीएसटी की लिस्ट आई थी कल शाम को 6 बजे, तो वीडियो बनाई थी, कुछ बच्चों को तो पता ही नहीं था, तो ऐसे कमेंट में जरूर लिख दिया करो जो भी अपडेट हो भाई। अच्छा, 11 गुना लड़कियां हैं भाई, तो 4,000 लड़कियां बैठने की संभावना है, अगर 4,000 लड़कियां, 1,000 वैकेंसी है और 5,000 में 4 गुना 20,000 बैठेंगे, 24-25 हज़ार बच्चों का टेस्ट होगा, हो सकता है एक शिफ्ट में भी और हो सकता है दो शिफ्ट में भी कर दे इसको हरियाणा गवर्नमेंट। तो पहले तो मैं सभी उन भाइयों से कहूँगा जो रुके नहीं वो सेफ है भाई, बहुत टाइम हो जाए है, गर्ल का भी 6 मिनट, जो लड़की नहीं रुकी वो अपने आप को सेफ समझना। लड़कियां भी बहुत ज़्यादा फैल हुई है, बता रहे थे कि लड़के लड़के फैल हो रहे हैं, अगर फैल नहीं होती तो एक लिस्ट और नहीं लगती, कन्फर्म इस चीज़ से। तो लड़कियां भी बहुत ज़्यादा फैल हुई है, जो बच्चे रुके हो तो भाई फैल ही मानी हो अपने आप को, और जो कंटिन्यू दौड़ते रहे उनका टाइमिंग शोर आ चुका होगा। और रिजल्ट की रही बात, रिजल्ट कब होगा भाई, जैसे कल 16 को उनका फिजिकल हो जाएगा, पीएसटी हो जाएगा सभी बच्चों का, हो सकता 16 को नाइट को, नहीं तो 17 को आपका रिजल्ट आ जाएगा, जहां तक अनुमान है। 20 को एग्जाम है तो 17 को रिजल्ट देना पड़ेगा, आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताइयो। हाँ, किसी भी बच्चे को और डाउट है तो कमेंट में जरूर लिखियो और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करियो। हाँ, अभी आरपीएफ और कोई भी बॉयज और गर्ल्स का कोई भी बैच हो तो शंकरा डिफेंस अकेडमी के अंदर ग्रंटेड बैच रहो है, अभी हरियाणा पुलिस को ले लियो। फिजिकल के लिए हमारे पास 20 लड़कियां थी, 20 में तक आप बिल्कुल शोर देख लियो, 16 या 17 लड़कियां हमारी 110% फिजिकल क्लियर करेगी, बॉयज 10 के 10 क्लियर है। कोई भी फिजिकल आवे, किसी भी डिफेंस के अकॉर्डिंग या नॉर्मल कोई भी फिजिकल हो तो जरूर कॉन्टेक्ट करियो शंकरा डिफेंस अकेडमी इसार से 10 किलोमीटर सारा एक्स सर्विसमैन स्टाफ है और इसके डायरेक्टर कैप्टन बलवीर पिछले 5 साल से चल रही है, बहुत ही अच्छे रिजल्ट दे रही है हरियाणा के अंदर, हिसार के अंदर ये एकेडमी है। एक बार मैं पेंट से हाथ जोड़ के विनती करूंगा, अगर आपकी लड़की का या लड़के का आप सिलेक्शन चाहते हो और अच्छा डिसिप्लिन चाहते हो, अच्छा खान पीन चाहते हो बच्चों के प्रति, तो एक बार इस एकेडमी में विजिट जरूर करें। फिर दोबारा मैं सभी छोटे भाइयों से विनती करूंगा कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वंदे मातरम प्यारे बच्चों।